कुछ नहीं, कमेटी जैसे चलती है वैसे सरकार चलना पड़ता है। आप हमको पहले काहे नहीं बोले, वो तो घोषकों को कभी आप ऐसे मत बोलिए, आपका भी दायित्व है। हम अपने दम पे हैं, पैर भी पे नहीं है, तेल लगा के नहीं है। माइक अधिकार हमरा के कहब तबे जाय जाय हमर मन को लात रही रात माइक को दिया गया, कहा गया कि सिर से जागरण गाना है तुम ध्यान दीजिए इस बात को। मैं अपने आप संतुष्टि के लिए बोल रहा हूं, माइक मुझे दिया गया, कहा गया सिर्फ तुम्हें जागरण गाना है। ये नियम किस कमेटी का है? इस कमेटी के सदस्य और अध्यक्ष मैं कार्यक्रम के बाद मिलना चाहूंगा कि आपने एक कलाकार को सिर्फ चार गाने का मौका दिया। वी आर एंट्री सिंगर, हम लोग एंट्री सिंगर है क्या? नहीं नहीं, ये नियम गलत है। मंच संचालकों को भी मैं हिदायत देता हूं, ये तेल लगाना छोड़ दीजिए आप लोग, नहीं तो हमारा इस तरह से बॉक्स में आप होते लोग। और ये यहाँ पे हम लोग इसलिए आया कि सबको बराबर हक मिलेगा, नहीं मिलेगा किसी कलाकार को। मैंने पूछा भाई, मैं दो लोग गीत गा सकता हूँ क्या? नहीं नहीं, जागरण गाना है तो जागरण होकर लग 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 छोड़ो कर, जागरण होकर लग 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 ओकर पहला ही किया था। चुप चुप, उसकी कोई गलती नहीं है। केकरा भी लोग नहीं किया, क्या नहीं जमा सकता। लेकिन जब हम आए थे तो मुझे भी यही पता था कि जागरण गाना है, लेकिन धीरे धीरे माहौल बदल गया और बोला गया कि लोकगीत गाना है, वरना सोच के हम भी आए थे कि जागरण ही करते। दिखाओ 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 दिखाओ, सब का हाथ में बा आ उनके कृपा की चंदन रोज गावत बा, अभी हो जाई भाई फिर गाए। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन राजनीति आज तक ना हमरा के छुले बा, जो राजनीति किए हैं वो वही रह गए और जो राजनीति नहीं किए हैं वही आगे बढ़े। राजनीति हमको आज तक नहीं छुआ है, छुएगा। हम अपने दम पे हैं, पैर भी पे नहीं है, तेल लगा के नहीं है। चल चल दिखाओ भाई, भाई आलू पूड़ी जी रहुआ खाती कहन एक लग लग निसुराय भाई भैया लोग सभी कलाकारों का अकेले का परफॉर्मेंस अपना एक सिस्टम होता है, जो अकेले वो गाएगा लोग वो अपने मिजाज में गाएगा। अब यहां के मिजाज तो सर बा, हमारा तो सर बा, तो हम कहां गाएं? स्केल भी अलग अलग बा, स्केल भी ना मिल पा। चंदन तुम बोले कि मंच संचालकों को, अच्छा ये बताओ तुम हमारे भाई हो, बड़ा दर्द में दिल में हम लोग लेके सहज के चलते हैं, लेकिन तुम्हारी जो रुकिए निशा जी, आप मेरी प्यारी हैं, आपको मैं बुलाऊंगा। हमारे गार्जियन बैठे हैं यहाँ, पूना बाबा का कार्यक्रम है, हमारे दिनेश भूषण का कार्यक्रम है, हम लोग यार मुकाबला लड़ने किला मैदान में नहीं आए हैं यहाँ तक। तो क्या कर रहे हो? कमेटी मैं कुछ नहीं, क्या कर रहे हो? कमेटी जैसे चलती है वैसे सरकार चलना पड़ता है। आप हमको पहले काहे नहीं बोले? वो तो घोषकों को कभी आप ऐसे मत बोलिए, आपका भी दायित्व है। गलत और मैं चाहूंगा नहीं पेटू भैया, चलिए बात नहीं हो रहा, बड़ा भाई बोल दिया, हम चुप हैं, आप भी चुप हैं। आइए आइए दिखाई तन दिखाई काय काय एक गाना हुआ बहुत गाय और मंच पे हम दोबारा ना चढ़ती, लेकिन लेकिन देखने के लिए इतनी सुपरस्टार कलाकार अकेले नहीं गा सकती है, सबको बैठना जरूरी है, इसलिए मैं आपके पास आया। दिल से धन्यवाद, एक गाना मैं गाऊंगा आपके लिए बस। जख्मी भैया के लिखा हुआ है वो गीत, ये एक मिनट मिनट, ये घबराने का समय नहीं है, ये दौर मेरे साथ भी गुजरा है, जब मंच पे मैं बैठा रह जाता था और ये माइक छूने को नहीं मिलता था, तो सीखना भी बहुत बड़ी बात है। ये क्षेत्र के तो एगो नामी गिनामी गायक हो, ये मर उम्मीद कहत होता और टूटे के नहीं के टेंशन निकले के, ये गाना तुम गाओगे और अपने मौसी के साथ गाओगे। अच्छा अच्छा बेटा का ना दई की हाली मौसी का बेटा, जरूर बेटा लग लगे हमारे बच्चे समान है, इधर आइए सिंगर है आप,
बहुत अच्छी बात है। हम लोग सब आपको बड़ी प्रेम से सुनेंगे। जैसा कि चंदन जी ने कहा, ये समय सबके साथ आया है। शुरुआत में हम लोग भी दिन दिन भर रात रात भर बैठे रहते थे, मंच नहीं मिलता था। तो बी कॉन्फिडेंस, डरने की जरूरत नहीं, आराम से गाइए। अच्छा ये बताइए, इतना शांत रहेंगे आप लोग तो कैसे चलेगा? तनी मनी हिंदी डूबते नहीं लगना चाहिए कि आप लोग गाना समझ रहे हैं, आप लोग अच्छा लग रहा है। इतना शांति हो जाता है कि मेरा आहे नहीं खेला। हाँ थोड़ा सा हिंदी डूबते रहिए कि एगो होता टेपी छावा से चूक राजा जी की लगाई दी जो दुनिया के हुक राजा जी। हमारी माताएं बहनें भी हैं इनके बीच में आई हैं, लेकिन हम क्या बोल रहे थे? लगाई दी जो जुआ दिल की बात मुझसे बताया कर। दिनेश भैया मैं तुम्हारे मोहल्ले से, सुनिएगा रवि रंजन भैया आपके चरणों में डालता हूँ कि मैं तुम्हारे मोहल्ले से उदास लौट जाता हूँ, कभी कपड़े सुखाने छत्ते आया कर। तो मैं चाहता हूँ एक बार निशा जी हैं अभी मेरा वैदिक तिवारी बैठा है और मेरा प्रिय भाई जो आप सबके दिलों में राज करता है अपनी कलाकारी से न कि राजनीति की भूमिका से, कलाकारी से राज करता है मेरा भाई चंदन यादव। मैं चाहता हूँ मेरा भाई आ जाए जो कला से राज करे दिलों पे, मेरा भाई चंदन बाबू आओ तू हमारा हम भारतीय है बड़े भैया बबुआ बड़े भैया विष्णु भैया के स्वागत माइक रे उधर ले दिल में जो थी बात के मोरे भाई रौरा प्रस्तुत करी यहां के कहानी है कि आप बारिश में भीग जाते हैं कलाकारों के लिए बारिश पब्लिक है और इस लड़की को जो समय मिला है कहां से भीग गई ये हम लोगों से सीनियर कलाकार इस बात का ध्यान रखना चाहिए और सदैव रहना चाहिए। आप आइए मैं यहाँ गाने नहीं मैं सिर्फ आपके मर्यादा को लेकर इस मंच पे बैठ गया था। मैं आपको एक बात बताता हूँ सच्चाई, बहुत बहुत सिंगर ऐसे हैं भोजपुरी के जिनके साथ मैं मन साझा करती हूँ या जिनके साथ मैं गाना कंफर्टेबल समझती हूँ, उनमें से आप एक हैं। वरना बहुत बहुत से बुलाया जाए जाए गाड़ी में बैठे हुए थे कि आ जाइए, हम बोले जब तक मंच खाली नहीं होगा नहीं जाएंगे। सीधी बात आप हैं और ये पब्लिक है, ये भगवान है।